तो કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટ સતર્ક બની ગઈ છે. વકીલોને વર્ચ્યુઅલ હાજરીની છૂટ આપી દેવામાં આવી છે. વકીલો સુનાવણી માટે વર્ચ્યુઅલી હાજર રહી શકે છે. સીજીઆઈ ડીવાય ચંદ્રચૂડે વકીલોને આ છૂટ આપી છે. કોરોના કેસ વધી રહ્યા છે તેવું સીજીઆઈએ પણ જણાવ્યું છે અને વકીલો હાઇબ્રિડ મોડમાં સુનાવણીમાં સામેલ થઈ શકે છે. તો આ એક મહત્વનો નિર્ણય કહી શકાય કારણ કે કોરોના જે રીતે વધી રહ્યો છે તે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટ પોતે સતર્ક બની ગયું છે. तो વધુ વિગત મેળવીશું સમરતા અજય યાદવ લાઈવ રહે ચૂક્યા છે. અજય, આપસે જાણના ચાહેંગે કે દેશ મે કોરોના કી કન્ડિશન ક્યા હે, કોરોના જ્યાદા સે જ્યાદા ખતરનાક હો રહા હૈ ઓર ઉસકે અલાવા જે સુપ્રીમ કોર્ટ હે વો ભી અલર્ટ મોડ પે આ ગઈ હૈ ક્યુંકિ સબ એડવોકેટ કો વર્ચ્યુઅલી વો જોઇન્ટ હોને કે લિયે ભી સીજીઆઈ ને બતા દિયા હૈ. ક્યા હે જ્યાદા અપડેટ? देखिए, निश्चित तौर पे कोरोना को लेकर के एक बार फिर चिंता की लहर देश में देखने को मिल रही है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 4,435 नए केस आए हैं, जो इस साल सबसे ज़्यादा केस माने जा रहे हैं. और इसी तरह से कोरोना से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र में 4 मौतें हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में एक एक मौत हो चुकी है. यानी कोरोना अपना पूरा असर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है. लेकिन इसको लेकर के न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बल्कि नीति आयोग की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक स्पेशल बैठक की थी, जिसमें न सिर्फ राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था बल्कि जिस तरह से पहले जिस तरह की पहले तैयारी थी और जिस तरह से उससे निपटने के उपाय किए गए थे, उसी तरह के उपाय फिर करने के राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे. लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोरोना लगातार उसका केस जो है बढ़ता जा रहा है. आज उसके सबसे ज़्यादा केस देखने को मिले हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है. हालांकि पिछले साल जब कोरोना के केस सबसे ज़्यादा बढ़े थे तब कोर्ट की जो हियरिंग थी हाइब्रिड मोड में चल रही थी, लेकिन अब फिजिकल मोड में चल रही है. ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो वकील इस दौरान अगर कोरोना से बचना चाहते हैं या उन्हें डर लगता है, वो हाइब्रिड मोड में अपने केस की जो हियरिंग है उसमें शामिल हो सकते हैं. तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर के छूट दी गई है. लेकिन जो फिजिकल मोड में शामिल होना चाहते हैं वो फिजिकल मोड में भी शामिल हो सकते हैं. लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं, सरकारें भी अलर्ट हुई हैं, उसके खिलाफ केंद्र भी अपनी पहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन लोगों को ये जरूर कहा गया है कि जिस तरह से पहले तैयार रहते थे या प्रिकॉशन जो प्रिपेयरनेस रहती थी लोगों की, मास्क लगा के चलते थे, उसी तरह का कोविड बिहेवियर अब भी अपनाने की ज़रूरत है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई का मौका एक तरह से वकीलों को भी दिया है. जी बिल्कुल. से तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया.